तो यू नो समटाइम्स पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी कि क्या छोटी सी टीम में लाइक यू डू ऑल दिस एंड यू नो यू स्टार्ट विद वेरी लो लेवल पीपल बिल्कुल हेल्पर लेवल के बट आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट द कल्चर व्हिच आई वाज कमिंग फ्रॉम. HR, तो सबसे पहली चीज एंड इम्पोर्टेंट चीज कि HR के जॉब को इतना अंडरएस्टिमेट किया जाता है इसीलिए क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि HR का होने का मतलब है कि वो दिवाली होली सेलिब्रेट कराएंगे. तो ऑनलाइन की अपनी एक मार्केट स्पेस क्रिएटेड है. अभी जो भी ब्रांड्स ऑफलाइन थे वो ऑनलाइन भी हैं और जो ब्रांड्स ऑनलाइन से शुरू हुए हैं वो ऑफलाइन में भी आ रहे हैं. मेरा मानना है कि पहले तो अपने ब्रांड की आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. ब्रांड को एज अ ह्यूमन समझ लो पहले कि वो क्या है, वो इंसान है, वो ब्रांड उसमें क्या क्वालिटीज है पहले वो पता. लाइक अ बेबी. लाइक अ बेबी. तो चलिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. सो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए एंड अबाउट द बैकग्राउंड की कहाँ से आपने स्टार्ट करी एंड ये स्टाइल ऑफ्स का आइडिया कहाँ से आया. तो वो जो आराम की लाइफस्टाइल थी वो पसंद नहीं आ रही थी. सो ही वाज लाइक दैट आई वांट टू डू समथिंग मोर, वांट डू समथिंग बिग, यू नो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस बिकॉज़ ही कम्स फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड. सो ही वाज लाइक कि एक 9 to 5 वाला रूटीन आराम से चल रहा था बट देन ही वाज लाइक कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेट्स मेक अ ब्रांड. सो वी वर लाइक तब हमारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था बिकॉज आई वॉज वर्किंग, माई लास्ट जॉब वॉज विद बर्बरी, दैट्स अ रिटेल लग्जरी ब्रांड एंड आई कम फ्रॉम एन एचआर बैकग्राउंड. तो आप देखो कि एचआर एंड आईटी ने मिल के एक प्रोडक्ट, एक ऐसा ब्रांड बनाने के सोचा जो जिन दोनों का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है. सो हमने कपड़ों के लिए एक ब्रांड रजिस्टर किया विच इज स्टाइलॉक्स. सो 2014 वी रजिस्टर्ड आवर ब्रांड एंड फ्रॉम देयर ऑन वी स्टार्टेड. सो एज रितिका मेंशन्ड एवरीथिंग बट आई कम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड और आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू सम डू समथिंग ऑफ माय ओन. बहुत सारी चीजें हमने ट्राई करी मार्केट में, हमने सब कुछ सेल किया हुआ है काफी, स्टार्ट फ्रॉम बाइक एक्सेसरीज और एवरी बैग्स एंड एवरीथिंग, शूज वॉचेस एवरीथिंग, सभी कुछ सेल किया हुआ है. ऑनलाइन से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था बट अभी ऑफलाइन में हम काम कर रहे हैं. तो ऑनलाइन में हमने सब कुछ ट्राई किया और डेनिम, वी फाउंड अ प्रोडक्ट डेनिम जीन्स, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि इसका स्कोप है, विच कैन बी स्केल टू अ लेवल. फिर हमने स्क्रैच से उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, बनाया. मैं तो जितनी भी डेनिम की मार्केट्स हैं, गांधीनगर हो गया, टैंकर हो गया, वहाँ सब जगह हम लोग, मैं घूमा हूँ गली गली, मेरे को ईच एंड गली का नाम तक पता है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट मिल बनता था. देन आई फाउंड द रियल पोटेंशियल कि मेरे को इस प्रोडक्ट ब्रांड को, हम प्रोडक्ट को स्कोप दिखा मुझे. देन आई थॉट कि ऑप्शन है, स्कोप है, तो इसको मैं स्केल कर सकता हूँ. फिर वहाँ से हमने बिजनेस की शुरुआत करी और बहुत सारे लेवल्स पे आगे बढ़ते चले गए. एंड यू गाइस आर कपल प्रोनर्स, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप लोग मिले कैसे एंड ये बिजनेस की शुरुआत की दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. ऐसा नहीं हुआ था एक्चुअली, हुआ था ये शी इज एन एचआर और आई वाज इन एचआर, शी वाज इन एचआर बर्बरी में, शी मैम जॉब करती और तब मुझे विशाल ने मैम करके एड्रेस किया था. अभी मैं भी बोल रहा हूं. तो हुआ ये कि रितिका ने मेरी जॉब लगवाई एक कंपनी में, एवॉन इंडिया में. उसमें जॉब कर रहा था, आईटी प्रोफेशनल था, तो मैं जॉब, सो माय फर्स्ट जॉब वाज विद यूनिसन, दैट वाज अ रिक्रूटमेंट फॉर्म. आई कम फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड. तो विशाल, यू नो, आई माय क्लाइंट एवॉन वाज लुकिंग फॉर अ पर्सन इन आईटी, सो दैट्स हाउ आई अप्रोच्ड हिम. सो दैट्स हाउ वी मेट, वहीं पे मिले. बाकी उसके बाद फिर उसके बाद आउटपुट होता था उस टाइम पे. ब्रांड बट ऐसे ही नहीं करना है कि कुछ भी कर लिया. If I do something, I want to make it big. I want to create legacy. That was there in his mind. And my only thing from starting has been ki I'm not a good planner. He's a very good planner. He's very creative. So that was his forte. And my forte has always been ki karna hai, chalo karte hain. So I'm always a go-getter kind of a person. So whatever, so he's a very good planner and I'm a very good executor. That's what make a team work. Because
फ्रॉम डे वन वी बोथ आर अ टीम. सो अभी हमारे बिजनेस में इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, जो अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें बताने को, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों की सिचुएशंस में कि हमें लगा है कि यार दैट्स गुड दैट ही थिंक्स डिफरेंटली, आई थिंक डिफरेंटली, एंड दैट इज हाउ वी आर हियर, एंड दैट इज हाउ वट एवर वी हैव डन वी हैव अचीव्ड इज बिकॉज ऑफ दैट टू डिफरेंट. आई आल्सो थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में कि दोनों लोगों के रोल्स बिल्कुल डिफाइंड है. शी इज टेकिंग केयर ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशंस, आई एम फ्रॉम द प्रोडक्शन बैकग्राउंड एंड प्लानिंग. तो दोनों के रोल्स कंप्लीटली डिफाइंड है, तो दोनों के एक्सपर्टीज बिजनेस में हमने. सो अमेजिंग टू हियर दैट. सो ऑब्वियसली जब आपने सोचा होगा वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस, तो डेफिनेटली बैक प्रॉब्लम्स तो काफी सारे होंगे. व्हाई क्लोथिंग, इस क्लोथिंग में क्यों स्टार्ट करने का सोचा? इज एनी स्पेसिफिक? जैसे मैंने बताया कि मुझे रियल पोटेंशियल मिला डेनिम्स में. डेनिम से हमने स्टार्ट किया, देन वी स्केल अप टू मल्टीपल कैटेगरीज. हमने पहले डेनिम को सबसे लो रेंज की डेनिम हम बेचते थे, और आज के डेट में सबसे हाई रेंज की डेनिम बेचते हैं. हमने उसको इम्प्रोवाइज करते गए, देन वी आर इन मल्टीपल कैटेगरीज, और फिर वो पोटेंशियल मिला. मुझे लगा ये गैप है, इसको फिल करना चाहिए. Because क्या था कि जब हम काम करते, I'll give you more detail on this. When we started Stylox, what we were doing is कि हम लोगों ने marketplaces पे register किया. जैसे आप कोई भी अगर आप brand शुरू करते हो तो आपको ये लगता है ना कि online sell करते हैं सबसे पहले. तो 2014 में जब हमने Stylox register किया तो उसका reason यही था कि अपने brand को बेचते हैं, trading करके हम लोग Stylox में बनवा रहे हैं. तो गांधीनगर से, टैंक रोड से manufacturers ढूंढे, वहां से denim jeans बनवाई, और भी प्रोडक्ट्स बनवाए, वॉचेस बनवाए, शूज बनवाए, ये सब हमने लिस्ट कर दिया. अब वहां पर वो बिकना शुरू हो गया. ऑनलाइन मार्केट इज ऑलवेज वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव. तो व्हेन यू लुक एट दी प्रोडक्ट्स, दे ऑलवेज आस्क सो दीस पीपल, लाइक अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात करें तो उन सबका ये रहता है कि आप डील प्राइस क्या दे सकते हो. तो 999 में वी वर सेलिंग लाइक पैक ऑफ 3 जींस, सो दैट वाज आवर हिट प्रोडक्ट. उसके साथ साथ में फिर हमने टीवी बिल करना शुरू किया. ट्रिपल लाइन में थ्री जींस. आई वाज लाइक, आई वुड से नाउ 8 इयर्स बैक एंड 7 इयर्स बैक आई वुड से दैट वी वर सेलिंग, बट ये है कि उस टाइम पे वो हमारा हिट प्रोडक्ट बन गया, एक हिट कॉम्बो. क्योंकि 999 में 3 जींस देना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो उस टाइम पे आप सोचो कि हमारी तरफ से दैट वाज गोइंग टू अराउंड 600 में हम लोग आगे दे देते थे, एंड दे वर सेलिंग इट एट 999 विद देयर कॉस्टिंग. वी डिड अ लॉट ऑफ देम ऑन. उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया रीडर्स ऑफर करके आता था, उसमें भी सोल्ड. नामतोल के टीवी चैनल पे हम लोग करते थे, होम शॉपिंग का टीवी चैनल था, उस पर हमने बहुत डेनिम बेचा है. सो दैट्स हाउ वी वर ओनली फोकस ऑन प्रोडक्ट सप्लाई दैट टाइम, कि आ रहा है डिमांड आ रहा है सप्लाई करते जाओ. उस टाइम पे हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई दे रहे थे, बट दैट वॉज अ रियल चैलेंज. वी रियलाइज कि हम ब्रांड में सप्लाई तो देते जा रहे हैं, पर इससे ब्रांड बिल्ड नहीं होगा. यू नो ब्रांड मीन्स समथिंग एल्स. इस तरीके से ब्रांडिंग नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक बिजनेस जनरेशन हो रहा है, सेल्स हो रही है. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. बट उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स आते ही हैं बीच बीच में. और जब हम ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं तो उसमें यही है कि आप डिपेंडेंट हो मार्केट प्लेसेस पे टू गेट यू ऑर्डर्स. तो वहाँ पर हमें उस तरीके के चैलेंजेस आए. 2018 तक हमने ये काम किया है, उसके बाद भी पिवटेड द इंटायर. तो मे बी और डिटेल में आगे जाएंगे तो मैं आपको और बता दूंगी कि किस तरीके से हमने पिवट किया. एंड यू मेंशन्ड कि यू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में जो रहा है, राइट, एंड यू बोथ वर्क इन आईटी एंड कॉर्पोरेट, राइट. तो वो जो एक्सपीरियंस लेके आता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, तो कितना हेल्प करा है बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करने में, या फिर और चीज़ों को स्मूथली चलाने में? इज इट हेल्पफुल? डेफिनेटली इट्स हेल्पफुल, क्योंकि मैंने 5 to 6 ईयर्स मैंने बिजनेस एनालिस्ट का रोल था मेरा. हम सोल्यूशन डिजाइनिंग करते थे, तो वही सेम सोल्यूशन मैंने अपने बिजनेस इम्प्लीमेंट करे. जो भी CRM हम यूज कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, आईटी बैकग्राउंड से था तो उसको ईजी हुआ डेवलप करना, रोल असाइन करना, लोगों को बताना, और जो पूरी इंटरनल प्रोसेस थी सेल से लेके ऑपरेशन से लेके प्रोडक्शन की, वो सारी हमने वन पूरी प्रोसेस को डिफाइन मैंने किया. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल ऑब्वियसली, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड था मेरे पास तो मैं ये सब कर पाया. एंड सेम गोज फॉर मी बिकॉज़ आई कम फ्रॉम एन एचआर बैकग्राउंड, एंड माय थिंग मतलब हैज ऑलवेज बीन पब्लिक रिलेशंस, डीलिंग विद पीपल. तो दैट वाज माय कोर, अंडरस्टैंडिंग पीपल, एम्प्लॉइज, इनका रिक्वायरमेंट, ये सब मैंने समझा है. तो वो कल्चर बिल्डिंग is the main thing. As on today in business also, I would say that's your strength. Team is your strength. From day one, I would say jab hamare ghar ke niche hamara office hota tha, Janakpuri mein we used to stay and we started from our home only. To wahan par jab hamare paas mein matlab abhi bhi mere paas wo photo hai which I will not show. But usme hum log 3-4 log hain, and trust me we were celebrating Independence Day. तो यू नो समटाइम्स पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी कि क्या छोटी सी टीम में यू डू ऑल दिस, एंड यू नो यू स्टार्ट विद वेरी लो लेवल पीपल, बिल्कुल हेल्पर लेवल के. बट आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट द कल्चर विच आई वॉज कमिंग फ्रॉम. सो एंड टूडे नाउ वी डू इट विद अ बिगर स्टाफ, विद इन अ बेटर वे, बट वी आर डूइंग इट फ्रॉम दैट टाइम. तो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स
वो आपको कल्चर बिल्ड करने में हेल्प करती है. तो जो भी आपका बैकग्राउंड है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा बिकॉज यू हैव लर्न दैट सो यू वुड लाइक टू इंप्लीमेंट दैट. यू हैव बीन टू एचआर, तो सबसे पहली चीज एंड इम्पोर्टेंट चीज की एचआर के जॉब को इतना अंडरएस्टिमेट किया जाता है इसीलिए क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि एचआर का होने का मतलब है कि वो दिवाली होली सेलिब्रेट कराएंगे, यू नो, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज दैट्स मोर देन दैट. पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन शुड फील दैट दे आर इम्पोर्टेंट एंड दे शुड फील दैट दे विल बी listen to, you know, because in today's world आप देखो कि किसको सुनना थोड़ी ना है, मतलब हम भी यहाँ बैठे हैं तो बोल ही रहे हैं, you know, so nobody wants to listen to anybody and even when we are listening to answer, you know, we are not listening to understand. HR के बाद देखो हर चीज का solution है, तो वो same चीज business में भी implement करिए उन्होंने. बिल्कुल, हमारे हमारी कंपनी का कल्चर ही यही है, मतलब मेरे जो अब HR है तो मैं उसको whenever she comes to me कि मैम you know this guy is telling me this and that guy is complaining on that, so I only tell her one thing which I have it inherited actually, that you know just listen to them, calm them down, give them a solution, because if you don't have a solution at least calm the other person down and tell them, give them hope, tell them it will happen and give them clarity. अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो हम समझेंगे कि क्या best possible way out है. बट एच आर का होना कंपनी में, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट एक लेवल के बाद आपके लिए बहुत जरूरी है एक एच आर रखना, बिकॉज देन पीपल फील दैट दे आर लिसनिंग टू देयर बेसिक्स. एंड जो माइक्रो मैनेजमेंट की चीज होती है वो थोड़ा सा आपसे हट जाती है, बहुत हट जाती है, बहुत हट जाती है. इनिशियली मुझे इसलिए हेल्प करा क्योंकि मैं खुद ही एचआर से आ रही थी, सो आई वाज एबल टू डील विद पीपल, मेक कनेक्शंस एंड देन यू नो योर आई वुड से कि जो आपका एक कंपनी में एम्प्लॉई का जो स्टे पीरियड होता है वो भी बढ़ जाता है ना, आपका रिटेंशन रेट बहुत बेटर हो जाता है बिकॉज देन यू आर मोर कनेक्टेड टू योर पीपल एंड दे फील दैट दे आर अ फैमिली. हमने अपनी कंपनी बिल्डली उस तरीके से करी है, मतलब टिल टुडे व्हाटएवर टीम मीटिंग्स वी डू व्हेन वी गो आउट विद देम, वी पार्टी विद देम, वी टेक देम आउट फॉर वेकेशंस. तो व्हाई वी डू दिस, इट्स अ कल्चर वी हैव बिल्ट बिकॉज़ आई एम फ्रॉम एन एचआर बैकग्राउंड. तो आई थिंक इवन इफ द पर्सन इज नॉट फ्रॉम एन एचआर बैकग्राउंड दैट कनेक्शन कम्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी आपने ब्रांड बिल्डिंग की बात करी, तो अभी तो इतने सारी रिसोर्सेज हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट एंड ऑल दैट स्टफ, बट उस समय डेफिनेटली डिफिकल्ट होता होगा एंड जब आप खुद बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो, राइट, सो ब्रांड को स्टैंड आउट करना कि हाँ दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू क्रिएट, एंड मुश्किल होता है स्पेशली इन योर कैटेगरी क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं, जैसे आपने बोला गांधीनगर में करोल बाग में लॉट ऑफ पीपल सेलिंग इन ट्रेमेंडस अमाउंट, तो उस समय कितना डिफिकल्ट था एंड जो लर्निंग आई ब्रांड बिल्डिंग की एंड फॉर ऑल दिस पीपल वॉन्ट टू स्टार्ट, क्या लर्निंग्स एंड क्या एडवाइस होगा उसके लिए उन लोगों के लिए जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? आई थिंक प्रोडक्ट एंड ब्रांड वाइज विशाल विल हैव अ बेटर आंसर, बट आई जस्ट वांट टू स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ आवर जर्नी कि हमने ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन करी है व्हेन वी पिवटेड द एंटायर मॉडल. हमने पहले जब शुरू किया तो हमने सिर्फ एक वेग तरीके से शुरू कर दिया कि बस हमें कुछ करना है, यू नो, एंड दैट्स हाउ वी रजिस्टर्ड, बट हम एक्चुअली में वही करते चले गए जो हमसे टाइम ने करवाया कि ओके पीपल आर आस्किंग फॉर दिस, तो ये दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उसको ब्रांड बिल्डिंग नहीं कहते. ब्रांड बिल्डिंग हमने रियलाइज करी है जब हमने अपने बिजनेस में पिवट किया, हमने 2018 में भी फेस्ड हैवी लॉसेस, वी इंटायरली शिफ्टेड द एंटायर मॉडल, वी वर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन आवर पर्सनल लाइव्स, हेल्थ इश्यूज थे पेरेंट्स के, बिजनेस हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद पे था क्योंकि पेमेंट स्टक हो गई थी, तो वी लॉस्ट एवरीथिंग कम्प्लीटली एंड देन वी डिसाइडेड टू रिफ्रेश इट. व्हेन वी डिसाइडेड टू रिवैम्प इट, दैट वाज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली व्हाटएवर वी वांटेड टू डू कि भाई एक बड़ा ब्रांड बनाना है, तो वो थॉट उस टाइम पे थी ब्रांड सिर्फ बेचने से नहीं बन जाता ना, योर प्रोडक्ट सप्लाई का आप जो गेम खेल रहे हो खाली उसको करने से ब्रांड नहीं बनता. तो वहां पे मेरे दिमाग में जो पर्सनली था वो ये था कि भाई आई ऑलवेज यूज टू टेल हिम कि ब्रांड में ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपने आप समझ में आए. जैसे अभी मैंने एक लेटेस्ट में सुना कि शाहरुख खान ऑलवेज सेज आई एम द बेस्ट एंड अमिताभ बच्चन कभी नहीं बोलते बट लोग बोलते हैं कि ही इज द बेस्ट. तो ब्रांड कुछ वैसा होना चाहिए कि लोग अपने आप आपको आइडेंटिफाई करके बोले कि दिस इज द बेस्ट थिंग. एंड दैट इज वॉट आई हैड इन माई माइंड दैट टाइम कि भाई मैं विशाल को बोलती थी कि यार वुडलैंड को देखा है कभी कि वुडलैंड का ना बंदा एक माइंड में आ जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है. तो वो एक चीज हमें क्रिएट करनी है अपने ब्रांड. That's what he has delivered. So, शुरुआत में बताया कि डेनिम्स पे हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को. Obviously, there are multiple level पे एक evolve हुआ. हम जो भी जितना सजेशन की बात करो तो इट टेक्स टाइम. पहले तो शुरुआत में आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर क्लोथिंग ब्रांड बना रहे हो तो क्या एक्चुअली में रिक्वायरमेंट्स हैं मार्केट में, क्या लोग ढूंढ रहे हैं. अभी जैसे कि रिक्वायरमेंट एजेंसी के हिसाब से
जो ब्रांड चल रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट बैगी टेनिस बन रही है, जो रिक्वायरमेंट मार्केट की है वो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट के एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी जितने भी ज्यादातर मैंने देखा एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस शुरू करते हैं, वो सोचते हैं मेरे को ये पसंद आ रहा है तो मार्केट में भी चल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। पहले आपको थोड़े प्रोडक्ट से मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, मे बी विद अ स्मॉलर लॉट, मे बी आप टेनिस बना रहे हो या अपर लेयर बना रहे हो, व्हाटएवर यू आर मेकिंग, स्टार्ट विद अ स्मॉलर लॉट, ट्राई एंड टेस्ट दैट इन द मार्केट, फिर आप बिगर लॉट्स पे जाओ और फिर उसको स्केल करने का लेवल आएगा। बट जैसे कि हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, हमने डेनिम्स का बेसिक प्रोडक्ट सेल किया था, बिल्कुल बेसिक सेटअप थ्री डेनिम्स सेल किया, वो भी बहुत हिट था और अभी भी है। जीन्स का प्राइस पॉइंट बढ़ गया है, सेटअप थ्री डेनिम्स डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और ब्लैक अभी भी बिकती है, हर एक को वही चाहिए, वो तो मासेस के लिए था, पर धीरे धीरे हम उसको इवॉल्व करते गए, हम देखते गए कि क्या क्या डेवलपमेंट। हम हर रोज जब ऑफिस जाते हैं हमारी आरएनडी टीम ये सोचती है कि क्या डेवलपमेंट बेटर करें, क्या व्हाट बेस्ट वी कैन गिव टू द कस्टमर, क्या नया बनाए, क्या कंफर्ट एक्स्ट्रा दे सकते हैं कस्टमर को, क्या यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं अपने डेनिम्स में, आप कोई भी प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, इट टेक्स टाइम। दो दिन में ऐसा नहीं पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट हिट है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ई कॉमर्स पे बेच रहे हैं अगर आप, तो एक ही प्रोडक्ट बहुत बड़ा स्केल ले आएगा, पर अगर आप ऑफलाइन की मार्केट में है तो इट्स एन इवोल्यूशन स्टेज के, धीरे 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 यू विल ऐड ऑन मल्टीपल कैटेगरीज, आपको मार्केट समझ आती जाएगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स और फिर आप उसको धीरे धीरे ग्रो करो। और हमारे प्रोडक्ट में जो हमने मेजर चेंज किया है ना, सो व्हेन वी पिवटेड, तो हमने पिवट में किया गया कि पहले हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे थे, फिर हमने क्रिएट किया कि नहीं अब हम इसको ना ऑफलाइन में हम वो करेंगे, क्योंकि अगर हमें ब्रांड बनाना है तो वी विल ट्राई टू गिव समथिंग जो हमारी क्वालिटी एक हम जस्टिफाई कर पाए कि सामने वाला उसको पकड़े तो बोले कि हाँ यार ये सॉलिड चीज है। तो दैट्स व्हाट वी डिलीवर्ड इन आवर प्रोडक्ट। हमने स्टाइलॉक्स की जीन्स में वो क्रिएट किया है, वी आर अ डेनिम वेयर ब्रांड, सो बट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर एक्चुअली आर ट्राइंग कि हम लोग एक प्रीमियम अफोर्डेबल ब्रांड बनाए। या तो आपके पास में मासेस ब्रांड होते हैं कि सस्ता सस्ता बिकता है ऑफलाइन में, वैल्यू चेन्स हैं, वैल्यू रिटेल स्टोर्स हैं, और या फिर आपके पास में प्रीमियम सुपर प्रीमियम ब्रांड्स हैं। वहां पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली when you look at a high end brand, they're actually punishing the customer, you know, by charging so high. So that's the gap we found. We are actually rewarding them. How we are doing that? We are actually trying to deliver best of the quality at a very reasonable price. That too in the offline space, जो कि generally होता नहीं है। हमने वो price centric वाला जो online से सीखा था, उसको offline में implement किया है। और जब customer हमारे store पे आता है, अभी as on today we have got around 38 franchisee stores across India. So when we have these visitors, consumers buying our product, it's not me, but our retailer tells me that the moment we have a visitor with us, that customer stays back with us. He comes back again. Why? Because he's experienced the product. That's what matters the most to any brand owner. कि आपका product consumer को पसंद आ रहा है, उसके pocket heavy नहीं जा रहा, उसको fit अच्छा लग रहा है, वो दोबारा खरीदना चाह रहा है, then only you win. Journey complete ही तब होगी जब वो customer एक बार purchase करने के बाद दोबारा खुद shop पे आता है, then the complete journey gets complete. And जो online से offline का जो shift है, right? And ये जो टच एंड फील वाली चीज होती है, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लोथिंग, जो सबको चाहिए कि कैसा दिख रहा है, मटेरियल कैसा है, ऑल दैट, भले जेंजेस के लिए ना हो, बट स्पेशली थोड़े से ओल्ड जनरेशन 90s वाले जो कहते हैं, इवन हम लोग भी इसमें आते हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? सो जो सडन माइंडसेट चेंज है कस्टमर्स में, कितना दिखता है? जैसे रिटेंशन की बात करें या कस्टमर एंगेजमेंट की बात करें या नंबर्स की बात करें, कितना बढ़ता हुआ दिखा है? देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन हमेशा एक डिबेटेबल वो है, टॉपिक है ना। तो ऑनलाइन की अपनी एक मार्केट स्पेस क्रिएटेड है। अभी जो भी ब्रांड्स ऑफलाइन थे वो ऑनलाइन भी हैं, और जो ब्रांड्स ऑनलाइन से शुरू हुए हैं वो ऑफलाइन में भी आ रहे हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट चैनल्स। दिस इज नेवर लाइक कि ऑनलाइन इज बेटर और ऑफलाइन इज बेटर, और ऑनलाइन विल किल द ऑफलाइन मार्केट और ऑफलाइन विल किल द ऑनलाइन मार्केट। दैट ब्रिक एंड मॉर्टर स्पेस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ऑफलाइन में जाके, मॉल में जाके या स्टोर्स पे जाके शॉपिंग करना अपने में एक फन है, जिसको पीपल लुक एट एज एन आउटिंग। यू गो आउट, यू शॉप, यू हैव फूड, यू एंजॉय, यू कम बैक, सो यू फील सो गुड विद हैंड्स फुल ऑफ बैग्स। That experience gives you happiness. तो वो कहीं नहीं जाने वाला। ऑनलाइन स्पेस ने एक अलग दुनिया क्रिएट कर ली। अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ऑनलाइन की सेल बढ़ी हुई है, ऑफलाइन की डाउन है, क्योंकि एक कम्फर्ट है जो हमारी लाइफ में आ गई है। सो आई वुड से दैट एज अ ब्रांड वी आर सेल्फ वी डिड शिफ्ट इट फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिकॉज ऑफ दिस रीजन की ऑनलाइन खत्म हो जाएगा और ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। आर रीजन वॉज डिफरेंट। वी फेस लॉसेस because of few companies, so we were in a situation to take a halt, कि अब क्या करें। तो that situation actually was
game changer for us. Became an opportunity. हाँ, it we actually became an, we took it as an opportunity कि यार ये तो हमें करना था, ये तो हमें करना ही नहीं था, करना तो हमें ये है, हमें तो अपना ब्रांड बनाना है, ऐसे तो बन नहीं रहा, तो फिर वो करते हैं जैसे बनेगा. तो that's how we took quality as a first barometer कि वो बनाते हैं, फिर ढूंढेंगे कि इसको खरीदने वाला कौन है. तो फिर then we realized कि online में इसको कोई खरीदेगा नहीं अभी, क्योंकि हम ब्रांड नहीं बने. तो हम रिटेलर्स को डायरेक्टली पकड़ना हमने शुरू किया. वी आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल टुगेदर. हमने अपने लिए देखो, ऑफलाइन की जो मार्केट है ना, जो रिटेलर्स वाला मार्केट है, इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल मार्केट. बहुत सदियों से काम चल रहा है, दुकानें खुलती हैं, उस पर सामान बिकता है, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, बहुत कुछ है. हमने अपने लिए एक नया ही स्पेस क्रिएट किया है. हाउ वी स्टार्टेड सेलिंग वॉज, वी वर अ मैन्युफैक्चरर. हमने बोला कि हम कोई होलसेलर नहीं बनाएंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे, वी आर डायरेक्टली टाइंग अप विद द रिटेलर. अब आप समझो कि रिटेलर्स को डायरेक्टली हमने मार्केट करना शुरू किया, वो भी अपने ऑफिस में बैठे हुए. नाउ वी आर सिटिंग इन पेस सिटी 2 सेक्टर 37 एंड दीज पीपल विजिट दीज टैंक रोड गांधीनगर फॉर वेयर देयर रेगुलर परचेजिंग. एंड वी आर बाय थ्रू आर यू नो वी स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल एट द टाइम ऑफ कोविड, क्योंकि जब तक हमारा पेमेंट हुआ तब तक कोविड आ गया. तो हम घर में खाली बैठे थे, तो वही हमारी आदत है कि यार जो दिमाग विशाल के दिमाग में आया यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, मैंने बना देते हैं. बड़ी गंदी शक्ल है उसमें मेरी पुरानी वाली, वो मत देखना. बट उस टाइम से हमने वो शुरू किया एंड इट बिकम अ हिट. हमने उसमें सिर्फ अपनी जर्नी शुरू करी, बताया कि हम कैसे काम करते हैं, और वहां से हमारे को कस्टमर्स मिलने लग गए. तो वी स्टार्टेड गेटिंग रिटेलर्स फ्रॉम देयर, वी बिल्ड आवर प्लान फ्रॉम देयर, कि हमारे स्टोर्स खुलने लग गए. फिर उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया. सो इट ऑल हैपेंड विद टाइम, इट वॉज नॉट प्लान्ड इनिशियली. As we said that we were not coming from this background, but one thing was very clear that our brand vision is clear that we want to make it a big brand by offering the best quality. If we customer ko kuch denge, to in return hamara business apne aap hi ban jayega. That was there in our mind. And if agar main koi individual hoon, right, and I want to associate with your brand, kyunki online mein bechunga to definitely mujhe aapse product lene hain, marketplace pe jaake list karne hain, I'll start selling. But offline mein kharche bhi bahut aata hai, right? So main abhi unit economic samajhna cha raha hu ki agar koi banda individually they want to start a business with you, to kitni costing padegi, aur offline versus online agar wo offline sell kar raha hai to jo margins hain ya paise zyada kaise kama payega, and how do you control that pricing? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग है सीधा, मतलब जिस मैन्युफैक्चरिंग हमारी डायरेक्टली है, तो फैब्रिक सोर्सिंग हमारी डायरेक्ट मिल से, तो कॉस्टिंग हम वहीं पे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर नहीं है. यू हैव योर ओन मैन्युफैक्चरिंग साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. तो उसके बाद जो स्टेप आता है, अगर हम कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो फ्रेंचाइजी के थ्रू हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, एंड वी ऑफर देम 40-45% की मार्जिन, ओनली बिकॉज हम सीधा मैन्युफैक्चरिंग से सप्लाई करते हैं. एंड व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द फ्रेंचाइजी? 10-15 lakhs सभी का ये होना चाहिए कि ऑलवेज ट्राई टू गिव टू द कस्टमर, टू द एंड कंज्यूमर, जो भी मैक्सिमम उसको वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, दैट शुड बी द वे. तो हमने रिटेलर एम्पावरमेंट में क्या करते हैं, कोई नया नया बिजनेस करना चाहता है, नई शॉप शुरू करना चाहता है, तो उसको एंड टू एंड गाइडेंस देते हैं, कैसे उसको स्टोर शुरू करना चाहिए, कैसे उसको फिक्सचर्स करने चाहिए, कैसे फोल्डिंग की टेक्निक्स होती है, क्या ऑफर कब चलाने चाहिए, क्या डिस्काउंट देना चाहिए, सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, उसकी इन्वेंट्रीज जो है वो कैसे मेंटेन करनी चाहिए, ऑडिट कैसे करना चाहिए, स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए. देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू रन अ स्टोर. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम कहीं भी गए परचेज किया और दोबारा खोल दी, ऐसे शॉप नहीं चलेगी. There should be systematic way जो उनको फॉलो करना चाहिए, वो सारी गाइडेंस सपोर्ट हम स्टाइल ऑफ प्रोवाइड कराते हैं आपको. अगर कोई नया कस्टमर आता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इस तरह की सारी गाइडेंस और सपोर्ट हम उनको देते हैं. तो अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको पूरा स्टोर का फिक्सर्स करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम हमारी टीम है, हमारी फ्रेंचाइजी की टीम है, वो उनको पूरा गाइड सपोर्ट हेल्प करती है कि वो अपना पूरा बिजनेस शुरू कर ले, ओपनिंग तक हमारी टीम वही रहती है. सो ऑफलाइन स्पेस में ऐसा है, ऑनलाइन में अभी हमने अपना कुछ भी रेवेन्यू किया नहीं है. वी हैव बीन स्टार्टेड ऑनलाइन, और हमने कभी किसी को ऑनलाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं किया है. नाउ आवर वेबसाइट इज रेडी, बिकॉज इट्स अ फेज आई वुड से दैट इन दीज 5 years वी हैव बिल्ड अ ब्रांड इन द ऑफलाइन स्पेस एंड स्टिल बिल्डिंग, वी जस्ट स्टार्टिंग. अभी तो हमारा क्या है, 200 cities, मतलब ये जो विशाल ने बोला, तो ये हमारे रिटेलर एम्पावरमेंट पे काम करते करते वी हैव गॉट अराउंड 400 counters.
अक्रॉस इंडिया, तो अभी वो शॉप एंड शॉप की तरह हमने क्रिएट कर दिए, विच ऑल्सो दैट ऑल्सो वी डिड इन अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. सो दीज पीपल वर रियली लाइकिंग जिस तरीके से हमने उनके स्टोर में इसको क्रिएट किया. तो वहाँ पे अभी हमारी प्रेजेंस है, हमारी प्रेजेंस इंडिविजुअल स्टोर्स पे आ गई, बट उससे तो अभी अभी हमारी शुरुआत हुई है. तो बट ये जरूर हो गया है कि नाउ पीपल आर गेटिंग टू नो अस थ्रू दोज स्टोर्स, थ्रू दैट विजिबिलिटी. नाउ वी आर रेडी विद आवर वेबसाइट, बिकॉज हमारा कुछ आई वुड से दैट व्हाटएवर टर्नओवर वी हैव डन, व्हाटएवर नंबर ऑफ जीन्स वी हैव सोल्ड, बिकॉज ऑफ दैट द कस्टमर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दैट. तो वहां पर ये हो जाएगा कि अगर अब हमने अपना वेबसाइट और मार्केट प्लेस पर अगर हम अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, तो कस्टमर विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ ये मैंने खरीदा भी था एंड नाउ आई कैन रिलेट टू दिस ब्रांड. दैट्स हाउ वी आर स्टार्टिंग दिस जर्नी नाउ. सो ऑफलाइन की अगर बात करें तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि ऑनलाइन में हमने देखा कि कुछ लॉन्च हुआ, हमने इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवा दिया है, नेक्स्ट वाई चीज़ें चीज़ें, बट एज अ बिजनेस जो आप ऑलरेडी ऑफलाइन ऑपरेट करता है, आप क्या तरीके इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग ऑलरेडी ऑफलाइन धंधा चला रहे हैं उनके लिए क्या बेस्ट एडवाइस है टू डू द बेस्ट मार्केटिंग और लो बजट में? मेरा मानना है कि पहले तो अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. ब्रांड को एज अ ह्यूमन समझ लो पहले, कि क्या इंसान है वो ब्रांड, उसमें क्या क्वालिटीज है पहले वो पता. लाइक अ बेबी. लाइक अ बेबी, उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग है, टफ है, बियर्ड होनी चाहिए अगर वो इंसान हो, तो पहले वो क्वालिटीज ब्रांड की पता हो. और ऑफलाइन में उसको मार्केट की बात करें तो देयर आर मल्टीपल वेज इसमें हम मार्केट कर सकते हैं, और उसको एक स्टार्ट करना चाहिए छोटे एरिया से अगर हम ऑफलाइन मार्केट कर रहे हैं. और कम बजट की जैसे आपने बात करी, तो कहते हैं बेस्ट नोन बीट्स द बेस्ट, तो उसमें उस एरिया में हमें आप वहां का राजा बनना है. कि अगर एक गली में ही मार्केटिंग कर रहा है तो सब जगह स्टाइल ऑफ से दिख रहा है, उस गली में अगर शॉप है, उस एरिया में अगर शॉप है, तो पहले एक एरिया से शुरू करें और धीरे धीरे हम उसको एक्सपैंड करें. क्योंकि ऑफलाइन की मार्केटिंग बहुत कॉस्टली है, बड़े होर्डिंग बैनर तो 50,000-1,00,000 रुपए तक चार्ज करते हैं, इससे भी ज्यादा होता है. तो हमें ऑफलाइन में या तो गोरिल्ला मार्केटिंग टाइप की एक्टिविटीज करनी चाहिए. तो आपके ब्रांड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया क्लोथिंग लाइन लाया, फॉर एग्जाम्पल फास्ट फैशन में कुछ क्लोथिंग्स लाए जो दैट यू वांट टू स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया, तो अपार्ट फ्रॉम योर स्टोर्स, तो लोग कैसे जानेंगे आपके ब्रांड के बारे में कि कुछ आपने नया लॉन्च किया है? सो दे विजिट टू द स्टोर तब पता चलेगा या देयर इज अनदर वे? जो हमारे कस्टमर जुड़े हुए हैं उनके साथ हमारा एक B2B लिंक है जिनको हम शेयर करते हैं, तो लेटेस्ट कलेक्शन उनको मिलता रहता है, और जो हमारे स्टोर्स हैं उनके पास भी लेटेस्ट कलेक्शन उसके थ्रू PDFs के थ्रू जाता है. और बाकी हम अपनी साइट्स भी हमारी stylelux.in जिसपे लेटेस्ट अराइवल्स रेगुलरली आते हैं. जो हमारे एंड कंज्यूमर है उनको हमारे ऑब्वियसली स्टोर्स के थ्रू ही पता चलता है, क्योंकि जितनी भी अभी हमारी प्रेजेंस है वो ऑफलाइन है. ऑनलाइन नाउ वी आर स्टार्टिंग, तो अब उसके थ्रू और इजी हो जाएगा लोगों को कम्युनिकेट करना, बिकॉज ऑनलाइन स्पेस में इट्स मच फास्टर एंड ईजियर. बट स्टोर्स के थ्रू अभी तक ऐसे ही होता है कि आर स्टोर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2-3 सेक्शंस. तो फ्रेश अराइवल का एक अलग सेक्शन रहता है, डिस्काउंटेड कुछ आर्टिकल्स का अलग सिलेक्शन रहता है. तो उस तरीके से वी पास द इन्फॉर्मेशन टू द रिटेलर्स, दे पिक द स्टॉक, देन दे पुट इट इन देयर फ्रेश अराइवल सेक्शन. और हमारा जो स्टोर है, जो हमारा ब्रांड है, उसका USP भी ऐसे ही है कि हर महीने हम लोग कुछ, मतलब हर हफ्ते हम कुछ नया ला रहे हैं. जब हम हर हफ्ते कुछ नया ला रहे हैं तो हमारे जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, दे आर वेल अवेयर कि भाई इसी तरीके से हमें आगे कस्टमर को भी बताना है कि सर ये फटाफट से खत्म हो जाता है. यू नो वी डोंट वर्क ऑन रिपीट्स, वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिव डिजाइंस, कि आपको हर बार कुछ नया मिलेगा. तो जब वो सेम चीज कस्टमर्स को कम्युनिकेटेड रहता है तो दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू अ फ्रेश डिजाइन, सो दे ऑलवेज कम एंड लुक एट द फ्रेश अराइवल सेक्शन कि भाई अब क्या नया आया है. सो दैट्स आवर वे ऑफ यू नो डिलीवरिंग द फ्रेश अराइवल्स. एंड ऑफलाइन में जब हम कुछ फॉर एग्जाम्पल कपड़े खरीदने जाते हैं, तो जो हमारा माइंड सेट रहता है कंज्यूमर की, चलो दुकान है, कपड़े की दुकान जाके खरीद लिया, जैसे भैया दिखाते हैं कि ये शर्ट एंड ऑल सेट सब, जो यूजुअली होता है. बट आपके जैसे ब्रांड जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, तो एक पोजिशनिंग कैसे डिफरेंट करें कि लगे कि हाँ अगर मैं इस दुकान में जा रहा हूँ तो दिस इज समथिंग डिफरेंट. एक ब्रांड है, एक स्टार्टअप है या वेंचर है जो डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम अदर शॉप जो ऑलरेडी ऑपरेट करें. दिस ऑल हैपेंस विद द राइट कल्चर आई बिलीव, क्योंकि अब वही चीज हम अपनी कंपनी में भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वही चीज हम अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, और वही हम उनके थ्रू आगे पास करते हैं. व्हेन वी आर सेइंग वी आर ओपनिंग द स्टोर एंड गिविंग ट्रेनिंग टू द स्टाफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट डिलीवरेबल. आई बिलीव इसमें कम्युनिकेशन भी आता होगा कि बिल्कुल, क्योंकि जो ब्रांड कम्युनिकेशन है, जब देखो जब हमारा स्टाफ एक फ्रेंचाइजी स्टोर पे जा रहा है, तो उस टाइम पे वो उस स्टाफ को ट्रेनिंग देता है कि व्हाट आवर ब्रांड इज ऑल अबाउट, what is our background, what is our vision, what we are trying to deliver. जब तक कि हम उस स्टाफ को बताएंगे नहीं, उसको कैसे पता? क्योंकि जो रिटेलर है उसने तो सिर्फ हमारा फ्रेंचाइज ही लिया है, उसको हमारा विजन नहीं पता, उसको हमारा फ्यूचर नहीं पता, उसको हमारा बैकग्राउंड नहीं पता. सो वी डिलीवर ऑन दैट. सो दैट इज अ कल्चर विच वी पास. जैसे हमने अपने बड़ों से सीखा, हम आगे सिखाते हैं. दैट्स दी प्रैक्टिस वी फॉलो इंटरनली, कि हम अपने रिटेलर्स के थ्रू, उनके स्टाफ के थ्रू,
ट्रेनिंग के थ्रू उस चीज को डिलीवर करते हैं। एंड फॉर अ न्यू ब्रांड आई वुड से, देखो हम लोग भी नए ही हैं, मैं 4 साल ही हुए हैं और उन 4 सालों में ये 2 साल से हम लोगों ने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है एंड वी आर नाउ गेटिंग इनटू द मार्केट एंड यू नो गेटिंग इनटू द रियल कॉम्पिटिशन की जहाँ पर बड़े ब्रांड्स हैं और आप उनके साथ में स्टोर खोल। हमारा ब्रांड ऐसा है जी, अगर आप टेनेंट की बात करो, आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर करो हमारे टेनेंट, तो आपको क्वालिटी 1 नॉच हायर मिलेगी और प्राइस 1 नॉच कम मिलेगा, बल्कि इनफैक्ट 2-3 नॉच कम मिलेगा। दैट्स हाउ वी आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर आवरसेल्फ इन द मार्केट। जैसे मैं अगर किसी दुकान में जाता हूँ अपने नून के, तो एक कल्चर है वहाँ पे लेंडिंग का कि चलो ठीक है भैया आज नहीं कल दे देंगे परसों दे देंगे, तो इज दिस कल्चर स्टिल अवेलेबल स्टोर्स में होते हैं कि फ्रेंचाइजी होने के ऊपर होता है कि चलो ठीक है क्रेडिट पे ही कर लेते हैं जान पहचान वाले कस्टमर, तो ये फ्रेंचाइजी पे ही रहता है फ्रैंकली। अच्छा। बट ये इतना अब होता नहीं क्योंकि वो भी इससे परेशान हो जाते हैं, मेरे फ्रेंचाइजीज का मैंने देखा है, वो कहते हैं कि ये कंपनी का स्टोर है। यार मैंने तो ना स्टोर पे बैठना ही छोड़ दिया है क्योंकि मुझे देख के मेरा दोस्त बोलेगा यार तू तो कुछ एक्स्ट्रा करा दे, तो वो बोलते हैं मैं तो बैठता नहीं। एक फायदा, दूसरा फायदा कि मैंने फ्रेंचाइजी ले रखा है, कंपनी डिसाइड करती है क्या प्राइस है तो मैं डिस्काउंट कुछ दे नहीं सकता, तो दैट इज गोइंग अवे नाउ। बिकॉज आप देखो कि छोटी से छोटी, आप हमारी जो गली में पहले वो परचून की दुकानें होती थी, दैट इज शिफ्टेड टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर नाउ, इट्स मोर ऑफ अ यू नो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अ स्टोर। वहां पर आप बोलोगे भी नहीं कि इसको 5 रुपए कम करो या 100 रुपए कम करो, सो इट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज सेटअप, तो वो चीजें अभी कम हो गई हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं। एंड अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करें अदर ब्रांड, फॉर एग्जांपल ठीक है क्वालिटी इज बेटर बहुत लोग बना रहे हैं, मे बी मार्केटिंग मे बी ब्रांडिंग, तो एंड हाउ यू आर डूइंग दैट कि अपने आप को डिफरेंट बनाने के लिए फॉर ऑल दिस ब्रांड्स ऑफलाइन ऑनलाइन, कितने सारे कॉम्पिटिशन हैं बिना ब्रांड के चल रहे हैं, वेल एस्टैब्लिश ब्रांड भी हैं, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री? सी एज वी mentioned initially that we are trying to create first gap, तो देखो consumer का focus हमेशा price पे रहेगा और price और जो cost, price और quality का जो gap है उस पर रहेगा। कि अभी ये बहुत सारा, मैंने जैसे पहले भी बोला कि there are lot of brands which are literally punishing the customer by asking so much of money। आप एक jeans लेने जाते हो तो एक अच्छे brand की jeans आपको 4,000-5,000 से कम की नहीं मिलेगी, तो फिर आप ढूंढते हो कि जब सेल लगेगी तो मैं कुछ कम में ले लूंगा, पर 4,000-5,000-6,000-7,000-8,000 दैट इज हाउ यू नो दैट जीन्स आर अवेलेबल। अभी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि अगर उसी टाइप का क्वालिटी और उससे उसी या फिर उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी या फिर एटलीस्ट उस टाइप का क्वालिटी और उससे हाफ प्राइस में 1/3 प्राइस में अगर आपको मिल रहा है एंड दैट इज ऑल्सो अ ब्रांड विच इज एन इमर्जिंग ब्रांड ऑब्वियसली, तो वहां पर एक कंज्यूमर का इंटरेस्ट जाता है क्योंकि कंज्यूमर को भी अभी अभी का कंज्यूमर सिर्फ ब्रांड सेंट्रिक नहीं है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टअप थिंग एंड दीज D2C ब्रांड्स, नाउ पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द स्टाइलिंग the pricing and what they are getting, brand they like the product, customer brand loyalty itna zyada nahi hai, itna zyada ab nahi hai, dikhta hai naya chahe startup ka brand ho ya naya brand ho to people try kisne pe try karke dekhte hain naya brand। dusra as you are saying ki koi agar isko kare to kaise kare, to ek to product hai to hum product mein to dam hona hi chahiye aur ye cheez hai jo customer ko chahiye, jo kyunki hamara belief hai ki jo customer ko chahiye wo do, to wo wahi hai usko price styling comfort quality chahiye wo de diya। and एज यू मेंशन कि इंडियन की जो इंडियन ऑडियंस है प्राइस सेंसिटिव है, जहाँ कम पैसे दिखते हैं दे थिंक कि हाँ चलो एक बार ट्राई तो जरूर करते हैं। एंड बेस्ट एग्जांपल इज एनर्जी ड्रिंक में बात करें तो एक रेडबुल था जो 110-120 और अभी हमने स्ट्रिंग देख लिया जो 10-20 रुपये में हो रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो क्वालिटी भी बहुत डिफरेंशिएट हो जाती है, जो इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे रेडबुल में 10-20 रुपये के ड्रिंक्स में आपको नहीं मिल सकते। तो क्लोथिंग में बात करें कि ठीक आप सस्ता तो दे रहे हो, फास्ट फैशन है, ट्रेंडी है, बट क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्या हम ऑडियंस के साथ? नहीं, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं है। जैसे आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग है सीधा, मैन्युफैक्चरिंग से रिटेल देने में ही था, दैट्स हाउ वी आर एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट। इसका सिंपल लॉजिक है ना, आप समझो इट्स ऑलवेज अ चेन। अभी रेड बुल और स्ट्रिंग की अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो चेन में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया होगा, और मैं उन दोनों पे अभी ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही और उनकी क्या रही। बट इसमें एक चीज और भी है कि दोनों की अपनी अपनी एक मार्केट है। एक बार रेडबुल वाला, बहुत सारे लोग अभी भी रेडबुल ही पियेंगे, वो स्ट्रिंग पे नहीं जाएंगे, तो वो हमेशा रहेगा, दैट इज वन। सेकेंडली इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, तो वहां पर आप क्वालिटी को सेम रखें। जैसे अगर मैं अपने ब्रांड में बात करूँ तो हमने
क्वालिटी को एक नॉच ऊपर ही किया है, हम डेली क्वालिटी को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। उसकी वजह से हमने इनिशियली बहुत सारे कस्टमर्स को लूज आउट भी किया है जब हमने शुरू किया ये काम। तो एज आई मेंशन कि हमने मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर किया, अब जब हमने गांधीनगर से जीन्स ली थी तो हम उसको 3 जीन्स को 600 रुपए में बेच रहे थे, और समझो 200 रुपए में हम बेच देते थे एक जीन्स को, तो बनती कितने लोगों की। तो हमने वो भी बेचा है, तो हमने उस चीज को क्वालिटी को बेटर करते 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 आज ऐसी जीन्स हम बनाते हैं जो हमें ही 800-900 रुपए की बनती है, तो वो भी एक क्वालिटी है। बट फर्क ये आ जाता है कि 800 रुपए की जो चीज वो ब्रांड बनाता है, हम भी व्हाइट लेबलिंग भी करते हैं, वी आर ऑल्सो मेकिंग फॉर सम ऑनलाइन ब्रांड्स। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम वो चीज 800 की बना रहे हैं, पर देयर वाज वन ब्रांड जिनके लिए हमने बनाया था, हमने 800 में बनाया, उसने 10,000 में बेचा। तो इट्स हाउ यू सेल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट व्हाट इज द ब्रांड आइडेंटिटी यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ एंड हाउ यू आर सेलिंग इट। वी आर सेलिंग इट फ्रॉम डे वन, आवर एजेंडा इज बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बी वेरी क्लियर एंड गिव व्हाट यू द बेस्ट यू कैन। तो हमने यही सोचा कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट बन रहे हैं, अगर हमें वहाँ पर प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया दे पा रहे हैं, तो मार्जिन बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चरर वाले रखेंगे, रिटेलर को बेनिफिट देंगे, उससे ऑटोमेटिकली हमारा ब्रांड एक्सपैंड करेगा और फिर कंज्यूमर को दिखेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो इंटर्न वापस आएगा। हमारी ये स्ट्रैटेजी रही है। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि यार नहीं, मुझे कम क्वांटिटी पे काम करना है पर मार्जिन ज़्यादा चाहिए। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट दी क्वांटिटी एंड दी क्वालिटी, तो वो तो एक डिबेटेबल है कि किसको क्या अप्रोच लेंगे। एंड एज ए कस्टमर हम किसी ब्रांड से जो एक्सपेक्ट करते हैं, द बेस्ट थिंग इज ऑनेस्टी, राइट? अगर आप 200-300 में जींस बना रहे हो, सो कई सारे सेगमेंट हैं इंडिया के जो 800-900 के जींस नहीं पहन सकते, उनको मजबूरन 300-400 या 500 के जींस पहनने पड़ेंगे, एंड दैट्स द रियलिटी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, ऑब्वियसली दैट्स द थिंग। अगर ब्रांड लॉयल है, बोलती है कि चलो ठीक है मैं 300 में बना रहा हूँ या बना रही हूँ, व्हाटएवर, ठीक है, उनको भी पता है कि वो क्वालिटी उनको नहीं मिल सकती जो 3,000 या 1,000 रुपए के जींस में है, सो दैट्स द फैक्ट दे हैव टू एक्सेप्ट। बिल्कुल, वो तो है ही, वो मार्केट देखो जैसे मैंने बोला कि वो मार्केट हमेशा वही रहेगी। अभी वो स्ट्रिंग के अलग एक मार्केट क्रिएट हो जाएगी, रेड बुल को थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बट वो बंद थोड़ी ना हो जाएगा, उसकी अपनी एक मार्केट क्रिएटेड रहेगी। तो वैसे ही होता है, जो सस्ता बेचने, जब हम ऑनलाइन हम बेच रहे थे जिस प्राइस पे बेच रहे थे, उसी के आसपास आज भी कोई ना कोई और बेच रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज बंद हो जाती है। वो मार्केट अलग है, वो मार्केट अलग है, वो मार्केट अलग है, आपको ये चूज करना है कि आपका नीच क्या है। सब कुछ नहीं, आपको सब तो नहीं दे सकते। सरोजनी की जैसे आपने बहुत मेंशन करा, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं समझना चाहूँ की 300 का जींस अगर वहाँ पे बिकता है तो बनता कितने में है, जो रिटेलर वहाँ पे बंदा बेच रहा है उसके पास कितने में आता होगा, एक मोटा मोटी साइंस अगर हम समझना चाहें इसके पीछे। तो देखिए, सबसे सस्ती डेनिम बनती है कोलकाता, ओके, उसके बाद बनती गांधीनगर। तो अगर डेनिम की कॉस्टिंग बात करो तो बहुत सारे तरीके सस्ता करने के लिए प्रोडक्ट को, फैब्रिक से स्टार्ट होता है, फैब्रिक हम लॉट के फैब्रिक मिलते हैं जो रिजेक्टेड फैब्रिक होते हैं, 80-90 रुपीज मीटर में मिल जाएंगे, बनाने वाला उसको 30-40 रुपए में बना देगा, 20 रुपए में वॉशिंग हो जाएगी और 180 में तैयार हो जाएगी, मैक्सिमम 200 में 300 रुपए बेचते हैं, और उसको कोई जीएसटी और ये सब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है उसको, उससे बिल्कुल लो, मतलब इससे नीचे कुछ होगा नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, बस भैया जींस करना है, बस जींस, मतलब एक पहनने को कपड़ा क्रिएट कर देंगे, तो वो एक, मतलब आई बिलीव की क्वालिटी इतनी भी खराब नहीं होती, पर ठीक है चल जाता है, मतलब चल रहा है, बल्कि क्योंकि लिए दैट मार्केट इज वेरी गुड, वो है, हाँ, वो है उसमें, बट इतना सस्ता कैसे बना पाते हैं, मतलब एज ए बिजनेस ओनर आप तो पूरा देखो, आप जैसे 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 ब्रांड लॉयल्टी की तरफ जाओगे ना, तो आप क्या है, जैसे आप लोग इंडिविजुअली देखो इसको, आप एज ए ह्यूमन देखो कि आप लोग लाइफ में हमेशा अपग्रेड करना चाहते हो ना, तो अगर ब्रांड क्या है, ब्रांड इज मेकिंग द पर्सन फील दैट यू नो इफ यू वॉन्ट टू हैव एन अपग्रेड अडॉप्ट मी, यू वॉन्ट टू हैव एन अपग्रेड इन योर लाइफ स्टाइल, तो आप एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे जाते हो, पहले वो एक ओप्पो का फोन, फिर आप आईफोन, वो क्या है, इट्स नथिंग, तो वो एक अपग्रेड फीलर आपको देता है, वो एक ब्रांड है। तो अब वो सस्ता प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा, वो एक मार्केट है और हर किसी की लाइफ का पार्ट होता है, क्योंकि हर कोई एज अ फ्रेशर कभी शुरू करता है, कभी तो स्टूडेंट होता है, तो हर कोई इसी को वो एक टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी एक मार्केट है, फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड करता चला जाता है, तो फिर वो ब्रांड्स में आता जाता है, फिर वो लग्जरी में भी चला जाता है। तो ये तो एक स्टेजेस ऑफ लाइफ है एंड दिस विल ऑलवेज हैपन, कि आपको ये देखना है कि एज अ स्टार्टअप आपको अपना बिजनेस कहाँ देना है, कौन से स्टेज ऑफ people you want to deliver it to. That's all. Competition cutthroat है वहाँ पर, हर कोई basic jeans ही बना रहा है ना, अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो तो फिर वही कंपटीशन 10-15 रुपए वाली गेम है, वो वैल्यू बिजनेस है, वो वैल्यू बिजनेस है, वो ब्रांड क्रिएशन नहीं है। At the end of the day, you have to survive. तो आपको अपना टारगेट मार्केट तो डेफिनेटली चूज करना ही पड़ेगा, कौन आपको पैसे ज्यादा दे सकता है, जिसको आप ज्यादा बेच सकते हो, फॉर श्योर।
क्लोथिंग जैसे बोला लग्जरी है बट उसके पीछे जो मेकिंग होती है सो काफ़ी उस पर सवाल भी हैं कि सस्टेनेबल तरीका अभी तक नहीं आ पाया, हज़ारों लीटर के पानी वेस्ट होता है उसमें राइट, जो मेकिंग जो होती है, तो पहले उस प्रोसेस के बारे में बताइए एंड इज देयर एनी अल्टरनेट वेज टू सॉल्व दिस, क्योंकि काफ़ी कंपनीज अभी आई हैं दैट दे आर ट्राइंग टू डू, बट क्या सस्टेनेबल तरीका है एक पर्टिकुलर चीज बनाने को जहाँ पे इतने पानी का वेस्टेज भी ना हो और थोड़े से सस्टेनेबल वे से हम उसको क्रिएट भी कर पाए। डेनिम्स में बहुत पानी यूज होता है और डेनिम्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट जो वाटर को भी पोल्यूट करता है और सस्टेनेबल है, लंबा है, पर उसमें अभी क्या होने लगा है कि उस पर तो रिसाइकिल फैब्रिक बन रहे हैं, वही डेनिम जीन्स वापस जाती है पूरा उसको पार्ट में ब्रेक करके उसके फिर से उससे यार्न बनाया जाता है, फिर से वो डेनिम रिसाइकिल होकर वही फैब्रिक बनता है, पर अभी वो बहुत कॉस्टली है, डेनिम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, उसको रिसाइकिल में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। और दूसरा अभी वाटर वेस्टेज के लिए जो कुछ प्लांट्स हैं बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो वाटर को रिसाइकिल कर रही हैं कि वो रिसाइकिल वाटर होता है वही वाटर क्लीन होता है, वही इंडस्ट्री में वो प्लांट लगा होता है जिससे वो वाटर को क्लीन करता है और वापस वो रिसाइकिल होकर वही सेम यूज होता रहता है। तो अभी गवर्नमेंट का यही नॉर्म है कि वो रिसाइकिल प्लांट ही सक्सेसफुल है, वो अलाउड है, बट बहुत सारे एरिया में नॉन कंप्लायंस पर भी फैक्ट्रीज चल रही है। ये सस्ता होने का रीजन होता है, आप समझो वी आर सिटिंग इन इंडस्ट्रियल सेटअप में है हम लोग, तो ऑथराइज्ड एरिया है वो, एक अनऑथराइज्ड एरिया होता है। एक ऑथराइज्ड सेटअप बनाने के लिए आपके कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, विच हैज सम एडिशनल कॉस्ट टू इट। तो यही सेम चीज जब हम एज अ ब्रांड केटर कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम ब्रांड हैं, तो ब्रांड इज नॉट ओनली मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट, दैट्स बिजनेस। व्हेन यू आर मेकिंग अ ब्रांड देन यू आर सर्विंग एवरीवन, द कस्टमर, द सोसाइटी, यू नो एवरीवन। तो वहां पर आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एंड दैट इनकर्स सम कॉस्ट व्हिच यू ऐड इन योर प्रोडक्ट, एंड दैट्स हाउ द कॉस्ट गोज लिटिल हायर। अब वो 20 रुपए की वॉशिंग वाले को रिसाइकल्ड वाटर से कोई लेना देना नहीं है ना, तो जब हमारे पोल्यूशन बढ़ जाता है तो फिर वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से लोग निकलते हैं और फिर इन फैक्ट्रीज को नोटिस दे के आते हैं, अदरवाइज चलने देते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर कि भाई अगर आपको सस्ता सस्ता करना है तो सारे जुगाड़ अवेलेबल हैं, बट अगर आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाओगे, ब्रांड की तरफ जाओगे, तो आपको ये चीजों का ख्याल साथ में रखना जरूरी। अभी एक चीज और हम इनिशिएटिव ले, एक सस्ता है पूंछ, जिनके साथ हमने टाइप अभी किया है रिसेंट में, जो हमारे जो कस्टमर को हम ऑफर दे रहे हैं कि अपने पुराने क्लोथ्स लेकर आओ ताकि उसको फेंके नहीं और वो उसको किसी यूज जिसको जरूरत होगी उसको दे सकते हैं। Because, doing this really nice, in a nice way. तो हमने उनके साथ टाई अप भी इसीलिए किया है कि this is also one of the way we can, you know, deliver back something to the society. And what I believe कि यहाँ गलती लोगों की, अगर आपको सस्टेनेबल क्लोथ पहनने हैं तो आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि दैट्स वेरी कॉस्टली आई बिलीव राइट। और इंडिया में ये कल्चर नहीं है, जैसे आप बाहर तो सुना होगा कि वो फेंक दिया, पर इंडिया में फेंकते नहीं है, वो किसी कमल को दे दिया, किसी और को दे दिया ताकि वो रीयूज हो जाए। इंडिया में वो कल्चर नहीं है कि इंडिया में वो डंपयार्ड्स नहीं है कि आपको दिखे कि कपड़े फेंके जा रहे हैं। आप लोग बताइए अपने बारे में कि जब आपने स्टार्ट करा क्या क्या लर्निंग सही एज अ एंटरप्रेन्योर एज अ कपल, क्या मेजर चैलेंजेस आपको लगे, क्योंकि अब तो काफ़ी सारे लोग करने भी लगे एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस इन दैट, बट स्टार्टिंग में डेफिनेटली चैलेंजिंग रहा होगा, डाउट्स भी आएंगे कि चलो ठीक है करते हैं जॉब करके स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो मेजर चैलेंजेस और मेजर लर्निंग क्या रही पूरी जर्नी में? It all happened, मतलब we got married 2011, then 2014 में we started this, तो 3 साल तो हम जॉब्स ही कर रहे थे। So when we started this, we realized this कि भाई we are a team, पहली बात तो right. It's very important कि जब आप कोई business शुरू कर रहे हो ना तो आपको एक push करने वाला कोई चाहिए और कोई सोचने वाला भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी आप शुरू कर पाओ। अगर आपके माइंड में पैशन है ना कि भाई मुझे कुछ करना है, अब वो कुछ क्या करना है ये भी नहीं पता, बट अगर पता है ना कि कुछ करना है तो फिर आप कुछ कर ही जाओगे। आई रियली लाइक द कोट विच इज मेंशन देयर, आई कैन एंड आई विल, आई बिलीव दैट, मतलब आई थॉरली बिलीव दैट। और मैं अपने लिए भी ये बोलती हूँ, और कभी कभी जब विशाल मतलब फॉर हिम आई टेल हिम कि आई एम नॉट योर, यू नो मैं क्या बोलती हूँ
I'm not your secretary, but I'm not your punching bag also. So what he does is, because he's my husband also. So what happens is कि जब हम लोग मतलब partner तो है ही, but husband भी है ही ना वैसे. तो अभी क्या होता है कि जब हमारे business में कोई decision होना होता है, तो it's not that easy ना. क्योंकि आपके thought process अलग-अलग हैं, आप दोनों अलग-अलग तरीके से सोचते हो. जैसे अभी learnings का आपने बोला, तो मेरी अलग रही हैं, दोनों same business में. बट मेरा आंसर कुछ अलग आएगा, विशाल का कुछ अलग आएगा, बिकॉज दोनों का माइंड सेट अलग है. बट दैट इज द ब्यूटी. अगर हमारे केस में मैं बात करूँ तो आई फील सो ब्लेस्ड कि भाई हम दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है. तो ही इज अ प्लानर, आई एम एन एग्जीक्यूटर, एंड दैट इज द रीजन वी आर एबल टू डिवाइड द वर्क इन अ डिफरेंट वे एंड एग्जीक्यूट इट सो वेल. तो वो हमारे केस में तो लर्निंग्स ये रही है कि बिजनेस में हर रोज एक नया चैलेंज आएगा एंड यू हैव टू बी रेडी टू फेस इट. जैसे एज अ प्रोडक्शन में, जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हर रोज मेरे पास ऑफिस जाते ही 10 लोग लाइन से खड़े होते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ गया. तो यू शुड बी, इफ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर देन यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए. अब आप रोज जाते हो तो आपको देखना है कि रोज क्या क्या नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बात यह है कि सेम प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, रोज नई प्रॉब्लम आनी चाहिए, डिफरेंट प्रॉब्लम आनी चाहिए. और यू आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और दूसरी बात की ये हमने सीखा कि पैसे से सब कुछ नहीं होता है. कोई 1 करोड़ रुपए भी बिजनेस में मिल गया पर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है या आपकी टीम ठीक नहीं है, आपके प्रोसेस नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, तो वो 1 करोड़ भी कब खत्म हो जाएगा पता नहीं. आपको 6 महीने अच्छी लाइफ दे देगा, उसके बाद जीरो. तो फिर वहीं खड़े हो जाओगे. ये मेजर हमारी लर्निंग, अगर बात करो कि सिर्फ बिजनेस पैसे से नहीं चलता. और प्रॉब्लम फेस करने के लिए हर एंटरप्रेन्योर को हर टाइम रेडी रहना है. वो हर बार नीचे जाएगा, हर बार नीचे गिरेगा, और फिर उसको हर बार ऊपर उठना है. हम हर रोज ऐसा सोचते हैं कि यार अब करें इसको, नहीं करें, then we get that कि नहीं बिजनेस तो लेके जाना, आगे लेके जाना. So it has happened अभी मतलब 2-3 days back only. He was telling me something. मैं कुछ बता रही हूँ. This is going to happen because in recent times we are like really in talks with a lot of big people कि कुछ ऐसा collaboration हो जाएगा, stuff like that. So I was telling him this and he was like, no, I'm stuck with this production issue and you are talking so big. मुझे नहीं कोई सुनाई दे रहा ये सब. So you know this is what happens. लेवल पे काम चल रहा है और मेरा production 5000 पीस का फंसा हुआ है. ये नहीं सुनना. और मैं बता रही हूँ कि you will have a celebrity and you know we'll do this and we'll do that. Like what world you are living in? जब हो जाएगा तब बता. This is what business is all about. आपको दोनों तरीके से ready रहना है. आपको आपके सामने ना opportunities ऐसे रखी नहीं होती. जैसे आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है. बिकॉज आई एम अ क्रिएटर, दैट इज द रीजन आई एम इनटू अ बिजनेस. अगर मैं क्रिएटर नहीं होता, मुझे सिर्फ फॉलो करना होता, तो मैं जॉब कर लेता. बिकॉज जो मेरा जो बॉस है वो क्रिएट करेगा, मुझे बताएगा मुझे क्या करना है, मैं कर दूंगा. तो अगर आप क्रिएटर हो तो आप बिजनेसमैन बन सकते हो, मॉडल बनाता है. तो एक वो मशीन है, मनी मेकिंग मशीन, मनी प्रिंटिंग मशीन बनाता है वो. उसमें बहुत सारे पार्ट्स लग रहे हैं, स्क्रू लग रहे हैं, ये लग रहे हैं. वो उसको खुद बनाना है कि वो सही टाइम पे सही नोट्स प्रिंट करे. तो वो एक मशीन जिस जितनी अच्छी बनेगी उतने नोट प्रिंट होंगे. मेरे को ऐसा मतलब विजन दिखता है कि हम अभी मशीन बना रहे हैं, इससे मेकिंग कभी तो बनेगा. जैसे बोलते हैं ना कि अनलाइक अट्रैक्शन लाइक रिपेल्स, तो इसी कारण से आई बिलीव कि ये जो इतनी अच्छे से चलता है. और सिर्फ पर्सनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, जैसे महिलाओं की बात करें तो दे हैव मोर सेंस ऑफ मैच्योरिटी इन महिलाओं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो उनमें होती है. तो पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा कि इनके आने के बाद राइट, सो डिसीजन मेकिंग कितना एफिशिएंट हो गया और क्या एक्सपर्टीज ये लेके आई हैं ऑन द टेबल जो आपको लगता है कि थोड़ा अलग है, यूजुअली जो मेन्स पार्टनर है वो नहीं कर पाते. अच्छा सवाल है आपका. कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा आपने बोला ना कि उनकी वो कैपेबिलिटीज बेटर होती है, तो ऑब्वियसली कोई भी जब सिचुएशन आती है तो एज ए हस्बैंड वाइफ ऑल्सो डिस्कस करते हैं कि ये तो हमारी लड़ाई भी होती है, प्रोज एंड कॉन्स तो निकलते हैं कि मेरा थॉट भी अलग है, रितिका का अलग है. बट ऑब्वियसली एक मैच्योर्ड डिसीजन निकल के रितिका की तरफ से आता है कि हाँ. और जब भी लो टाइम आता है बिजनेस में, अप डाउन तो है ही, लो टाइम आता है तो शी इज द वन जो ऑब्वियसली है वहाँ पर कि कुछ ना कुछ कर लेंगे. उस थॉट हमेशा लाइफ में भी ऐसे होता है कि हमें पता होता नहीं कोई ना कोई बचा लेगा तो चल हो जाएगा, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं. ऐसे ही है मेरे साथ भी कि रितिका इज ऑलवेज अ पिलर जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे. तो 1 से 38 अभी 100 हो जाएंगे. तो अभी एंड गोल क्या है, विजन क्या है अगले कुछ सालों का स्टाइलर्स को लेके, कहाँ देखना चाह रहे हो आप लोग और क्या क्या नई चीजें हैं जो दैट वी कैन सी इन फ्यूचर. अब बहुत जल्दी 100 तक ले जाने का प्लान है हमारा इसी साल.
और ऑनलाइन में हम आपको सब जगह दिखेंगे, styleox.in, D2C में हम आएंगे, मार्केट प्लेसेस पे भी फुल फ्लेजिडली हम लोग अभी काम कर रहे हैं और वी हैव प्लान्स टू टेक इट अब्रॉड और एक्सपोर्ट का भी प्लान्स हैं। सो वी एक्चुअली सी माय विजन, अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ ना तो जैसे विशाल हमेशा रियलिस्टिक बात करते हैं तो उस तरीके से बताते हैं कि हम ये करेंगे, मैं वो बोल देती हूँ जो मुझे अभी ड्रीम लगता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे styleox को इंडिया का लिवाइस बनाना है। That is what our vision is, कि भाई styleox is a made in India brand and it's that solid, तो हमें उसको उस level पे लेके जाना है कि world wide अगर आप jeans की बात करो तो Levi's सब सबको पता है, people wear with pride, exactly, so that's what we want to do. So we have added a rapid fire segment जिसमें कुछ fun questions होंगे आपको बस जल्दी जल्दी इसके answers करने हैं। So what's your favorite styleox product? styleox and one word to describe styleox. style and comfort. Morning person or a night person? हम टाइम से उठते हैं और टाइम पे सोते हैं। That's a nice thing. Tea or coffee? Coffee. Coffee for him, tea for me. Books or movies? Movies. Favorite travel destination? जहाँ जा चुके हैं या जाना चाहते हैं? बहुत सारी जगह है यार, दुनिया घूम गई सबको, और अभी तो अभी लास्ट मंथ कहीं होके आए थे, अभी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। सो यू नो देयर आर सो मेनी प्लेसेस यू वांट, अभी तो मैं एक हफ्ता भी नहीं हुआ फिर भी लग रहा है बहुत। यू वेंट टू कश्मीर टू सो। अगर आप styleox नहीं रन कर रहे होते दोनों लोग तो क्या कर रहे होते? यार नहीं यार, वो तो करना ही है, नहीं कर रहे होते तो सोचती भी नहीं, ये एचआरई होती शायद। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं आईटी में। एचआर के लिए एक अलग से सेगमेंट बनाना पड़ेगा जो आप सारे एचआर को डेडिकेटेड एक वीडियो क्लिप लेने चाहिए। सो व्हाट इज योर गो टू प्रोडक्टिविटी टूल? या माय फोन, आईफोन। ठीक है। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? सो ओह माय गॉड, जो आपकी एक बॉन्डिंग साथ में आती है और साथ में डेफिनेटली आई बिलीव कि बिजनेस इतने अच्छे से क्यों चल पा रहा, सो टाइप ऑफ बॉन्ड एंड रिलेशन यू गाइस हैव एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, और ऐसे ही आप लोग अच्छा काम करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।